चक्रामपुर नरसंहार पीड़ित भोला भदौरिया ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। 307 के केस में झूठा फंसाने का आरोप। शिवपुरी जिले के नरवर थाना क्षेत्र के चक्रामपुर में विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद दो गुटों में हुए खूनी संघर्ष में एक ही परिवार के चार लोगों की हत्या के मामले में बुधवार को पीड़ित पक्ष के भोला उर्फ योगेंद्र भदौरिया ने करणी सेना और क्षत्रिय समाज के लोगों के साथ एसपी रघुवंश सिंह भदौरिया को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आवेदकों ने पीड़ित भोला भदौरिया के खिलाफ दर्ज धारा 307 के मुकदमे में निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए केस को खत्म करने की मांग की है। पीड़ित पक्ष के भोला उर्फ योगेंद्र भदौरिया ने बताया कि उसके खिलाफ धारा 307 का मुकदमा षड्यंत्र रचकर दर्ज कराया गया है। पीड़ित ने बताया कि कुशवाहा समाज के द्वारा उक्त केस में जिस विष्णु पुत्र बलराम को गवाह बनाया गया है, उसने शपथ पत्र देकर कहा है कि उसके सामने कोई गोलाबारी नहीं हुई है। पीड़ित ने झूठी रिपोर्ट दर्ज करने के मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु गोली। कहाँ रहते हो आप? ग्राम चक्रामपुर। अरे जो चक्रामपुर में जो घटना हुई थी उसमें गवाह में आपका नाम लिखाया था, तो क्या आपने ऐसी कोई घटना देखी थी? जी सर, मुझे कोई मालूम नहीं है। अच्छा, तो आपके सामने कोई घटना नहीं हुई, तो उन लोगों ने कैसे आपका नाम लिखा दिया गवाह में? पता नहीं सर कैसे लिखा दिया, मैं क्या थोड़ा उठना बैठना था उस चक्कर में लगा दिया। तो इसको लेकर आपने कोई शपथ पत्र भी दिया है क्या? दिया। मैं आपका? मेरा नाम योगेंद्र भदौरिया और भोला भदौरिया। अच्छा, आज आप एसपी ऑफिस आए थे, क्या कुछ मामला है? और अरे क्या है कि ये चक्रामपुर नरवर हत्याकांड हुआ था ना, उसमें मुझ पर झूठा आरोप लगाया है 307 का, जबकि हम सब लोग तो गंभीर हालत में पड़े हुए थे। और उसमें एक साक्षी भी बनाया है इनने, विष्णु कोहली, तो उसने भी शपथ पत्र देकर एसपी साहब को झूठा बताया है कि मैं इस केस में नहीं था। साक्षी भी हमारे साथ आया हुआ है, विष्णु कोहली, जिसने स्वयं एसपी साहब को आवेदन में दिया है शपथ पत्र करके कि साहब ये सब मैंने ऐसा कुछ होते हुए देखा नहीं है गोलीबारी। अच्छा, अब एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? एसपी साहब ने बोला है कि जो आप निर्दोष उसका आपकी धारा काटेंगे, 307 खारिज करवाएंगे लेचक में लेके, और जो मूल्य में उन पर हम आरोपी फरार घूम रहे हैं उनको हम जब्त करेंगे जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके।